हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मैं वी आर अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी आया हूँ मैं गुरु बालपुरी पे, मेरे मुर्शिद पे। मेरा इरादा यहाँ पे जल्दी आने का था लेकिन मैं लेट हो गया। लेट होने की वजह से अभी रात के टाइम पे तो मैं आपको यहाँ पे व्यू नहीं करवा सकूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गुरु बालपुरी का मंदिर। तो गाइस, मेरे साथ थे नरेश कुमार खिलानी। मैं हमसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर मज़ा आ रहा है। नरेश, तो आप बताओ यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है आके? मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है और ये सुकून अच्छा। वाली जगह है। मैं दिन के टाइम पे आता, तो खैर नेक्स्ट टाइम भी आना होगा तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुर्शिद है, हम तो आते रहते हैं। तो आपको दिन के टाइम पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से नज़ारे हैं और कैसा व्यू है। चारों तरफ इस मंदिर में पहाड़ लगते हैं और अभी भी आप देख सकते हैं अंधेरा, लेकिन आपको नज़र आ रहे होंगे पहाड़। ये सारे देखो, ये पहाड़ है और बहुत ही VIP अमेजिंग यहाँ का लुक आता है इस मंदिर का। और इसके अलावा नेक्स्ट कि यहाँ पे ऐसा सुकून फील होता है आने के साथ में, बस बंदे का दिल करता है कि कहीं जाए ही ना, इस मंदिर पे ही बैठा रहे। तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब तेरी दीद होती है। वाह क्या बात है। लोगों की ईद तो साल में एक बार होती है। वाह वाह। मैं जिस दिन भी आपको देखूं उस दिन मेरी ईद हो। फाइनली गाइस, अभी यहाँ से होके मैं जा रहा हूँ गुरुबुद्धपुरी पे, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस, अभी मैं आया हूँ गुरुबुद्धपुरी के मंदिर पे। तो यहाँ से होके अभी मैं सीधा घर पे जाऊँगा। मैं हूँ और नरेश है मेरे साथ। तो इस व्लॉग को हद से ज़्यादा वायरल करना, क्योंकि इस व्लॉग में मुझे भी लग रहा है कि ये व्लॉग मेरा वायरल होगा। इसमें मेरे मुर्शिद की दुआएं, ये व्लॉग मेरा वायरल भी होगा। आप इसको सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना।